अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने आज कहा था, आज दो वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। एक हमारा सुबह में अपलोड हो चुका है और ये दूसरा वीडियो शिक्षक भर्ती के टैट में इस बारे में कौन से उसूल है जो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, कौन से नियम हैं जो लागू नहीं रहेंगे, जो पिछले बारे में थे इस बारे में लागू नहीं रहेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो आज का टॉपिक था, टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सबसे पहले मैं ये अनाउंसमेंट करता चलूँ कि हम इंशाल्लाह अगला जो लाइव लेंगे वो सीटेट जो हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अपने जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम के, उनके लिए होगा, सीटेट के लिए स्पेशल गाइडेंस। उसमें टेट के भी बारे में बोला जाएगा, लेकिन सीटेट के भी बारे में जो है स्पेशल हम लाइव रखेंगे। अगला सेशन जब भी मैं लूँगा लाइव का, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सीटेट स्पेशल गाइडेंस रहेगा। और उसके जो है नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक तो गूगल मीट के ज़रिए या फिर लाइव के ज़रिए जो उर्दू मीडियम के जो है जो तजुर्बात है, जो स्टूडेंट्स जो है ऑन ड्यूटी है फिलहाल में पवित्र पोर्टल के पहले भर्ती में जो टॉपर्स रहे हैं उनसे हम, या फिर पुराने 2010 के 8 के सीईटी वाले जो टॉपर्स या अच्छे खासे जो है मार्क्स वाले उर्दू मीडियम के तलबा जो स्टूडेंट्स थे उनकी हम मुलाकात लेंगे, ताकि हमारे उर्दू मीडियम वालों को उनसे बहुत सा जो है मोटिवेशन मिल सके। या तो गूगल मीट के ज़रिए या हम लाइव के ज़रिए उनको हम सामने रखेंगे, आपके सवालात होंगे और उनके हम तजुर्बात को शेयर करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो, हमारे उर्दू मीडियम के तलबा में जो है बहुत से बेसिक कन्फ्यूजन है जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो है सबसे पहला जो है कन्फ्यूजन ये है कि हमारे जो पिछले बारे में जो एक नियम था पिछले शिक्षक भर्ती में, जो सिर्फ उसी के हिसाब से था, 3 दिसंबर 2014 का जो GR था, 2017 के जो शिक्षक भर्ती में लागू हुआ था, वो ऐसा था कि जो TET2 पास थे और TET1 पास नहीं थे, TET2 बात को गौर से सुनो, पास थे और TET1 पास नहीं थे, फिर भी उनको TET2 के बेस पर 1 से 5 पर अपॉइंटमेंट दे दिया गया। 3 दिसंबर 2014 का ये GR सिर्फ और सिर्फ 2017 के भर्ती के लिए लागू था, ऐसा कहकर उसको परमानेंटली रद्द कर दिया गया है। 2022-23 के टैट एग्जाम में अगर आप पहली से पांचवी पर आना चाहते हैं तो आपको 100% कंपलसरी रहेगा कि जो पहली से पांचवी की TET या CET होंगी वो कंपलशन रहेंगी, 6ठी से 8वीं की TET या CET2 आपको कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आप जहन से निकाल लो। पिछले बारी में अगर आप TET2 सोशल साइंस से भी थे तो भी आपको जो है जो BSc जो साइंस के सब्जेक्ट पर शायद नियुक्ति दे दी गई, लेकिन इस बार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 100% अगर नहीं रहा मैच तो आपको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। यानी कि आप BSc के सब्जेक्ट लेकर TET2 में सोशल स्टडीज़ के जगह पर नहीं आ सकते और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट लेकर BSc के जगह पर साइंस मैथ्स पर जा नहीं सकते TET2 के साथ 6, 7, 8 पर। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा जो है अब इस बारे में जो है हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि जो शिक्षक भर्ती के पिछले कई जो उसूल थे, जैसा कि NCT की मैं गाइडलाइन बोलूं तो NCT के गाइडलाइन के हिसाब से ही रहेगा। रही बात जो DED नहीं है, जो सिर्फ BED है, अपने उर्दू मीडियम के जो तलबा है, जो BSc BED है, BA BED है, MA BED या MSc BED है, जो 6, 7, 8 पर आना चाहते हैं, TET2 उनको जो लागू होती है CET2, तो उनको 1 से 5 का जो मसला है फिलहाल में, ब्रिज कोर्स का मसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चालू है, और ये 2017 के भर्ती में भी इनको 1 से 5 पर महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट दिया गया नहीं है। फिलहाल वो कोर्ट में केस शुरू है जिसका डिसीजन आज तक फाइनल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे स्टेट की मिलाकर एक कॉमन केस चालू है जो कि सबके लिए लागू रहेंगी। अगर उसका डिसीजन आ गया, एक तो फेवर में आएगा या तो एक तो अगेंस्ट जाएगा। अब वो क्या होगा वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन जब वो डिसीजन आएगा, अगर वो आता है फेवर में, तो ही इस बार में भी पहली से पांचवी पर वो लागू होंगे विथ TET या CET1। ठीक है, ब्रिज कोर्स आपको मैंने समझा दिया, वो ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो 6 महीने का कोर्स होता है, जिनका DED नहीं हुआ है और ओनली BED हुआ है, वो 1 से 5 पर आने के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है कोर्स होता है ब्रिज कोर्स 6 महीने का, अगर वो कर लेते हैं तो वो इक्विलियंट हो जाता है DED के, यानी उनको DED की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आने के भी लिए उनको CET या TET1 की ज़रूरत होती है। ये चीज़ तो ब्रिज कोर्स के मामले में यही बात है कि आपको जो है वहाँ पर TET या CET1 होना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट फाइनल कब आता है ये देखना और ये डिपेंड करता है कोर्ट उसको कितने फास्ट जो है अपने फाइल पर लेता है, टेबल पर लेता है, और कितने जल्दी जो है फैसला देता है। उम्मीद है कि इस बारे में वो रिजल्ट आ जाए, ऐसी भी खबर है कि 17 नवंबर तक वो रिजल्ट आ जाएगा। रही बात CET के तैयारी की, तो उसके लिए एक अपन लाइव सेशन स्पेशल लेंगे अपने बच्चों के लिए उर्दू मीडियम के लिए, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो फ्रेशर या जो अब तक TET भी नहीं और CET भी पास नहीं हुए उनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा शिक्षण सेवक मानधन वार्ड के बारे में आज एक पत्र आया है, उसकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ ऐसा शिक्षण सेवक को 16,000 करने के इरादे में गवर्नमेंट है, लेकिन फिलहाल में वायरल PDF है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे की कोई भी वायरल चीज़, कोई भी न्यूज़,
जब तक कि हम उसको ऑथेंटिक सोर्स के जरिए सुनते नहीं, जब तक ये क्लियर हो नहीं सकता, तो मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने सीनियर्स से और जो टेक्निकल टीचर्स होते हैं उनसे पूछा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल में तो जीआर आने वाला है, शिक्षण सेवक मानदनवाड़ होने वाली है, यानी 2022-23 में जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये साबित होगा, चाहे आप किसी भी महाराष्ट्र के कोने में लगो, मुंबई पुणे जैसे ठिकाने पर तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ 10-10, 12-12 हज़ार पर मंथ का खर्चा होता है, तो 16,000 हो जाती है तो अच्छा, लेकिन फिलहाल में ऑथेंटिक कोई भी उसका सोर्स आया नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद में टेट जो है नॉर्मली वैसी ही होंगी जैसा कि पिछले बारी में हुई थी, उसूल यही चेंज होंगे, उसमें मैंने आपको बता दिया हूँ, यानी कि आपको जो TET 2 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के वगैरह के बारे में। और एक खास बात, अगर आप छठी से दसवीं पर जो अगर आप एलिजिबल है, तो आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज ओपन के लिए 50% होना जरूरी है एग्रीगेट, ये बात याद रखो टेट का फॉर्म भरने के लिए भी। और ग्रेजुएशन का यानी जो बीए का, बीएससी का वगैरह वगैरह जो परसेंटेज होता है वो, और कास्ट है तो 45% आपको कंपलसरी है, तो ये बात याद रखो। बीए का, बीएससी का, कोई भी ग्रेजुएशन का आपको छठी से दसवीं पर जाने के लिए 50% मार्क लेना जरूरी है ग्रेजुएशन में, आपको अगर टेट का फॉर्म भरना है तो। और उसके बाद में भी जब आपका सिलेक्शन होता है, तो इसी वजह से कोर्ट मैटर भी हुआ था लास्ट टाइम, तो सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर भी देखा जाता है अगर आप ओपन से है तो आपका एग्रीगेट 50% मार्क है क्या, या एग्रीगेट 45% कास्ट से है तो मार्क है क्या। अदरवाइज जो कन्फ्यूजन जो आमतौर पे रह रहा है जो दिमाग में बार बार महाराष्ट्र में, कि CTET वाला अगर दोनों क्वालिफाइड है तो वो टेट दे सकता है क्या, तो 100% दे सकता है 14 नवंबर 2017 के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शुद्धि पत्रक के हिसाब से। अब आने वाली सीटेट जो है उसकी तैयारी के लिए हम लाइव सेशन इंशाल्लाह जरूर लेंगे। इतनी ही बात कहनी थी, यही जो चीज़ थी जो क्लियर करनी थी, मुझे उम्मीद है कि पूरी आम जबान में, आम फहम जबान में आपके समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, उर्दू मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलामुअलैकुम।